गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए रण तैयार हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात से ही मोदी सरकार पर वार कर रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी गुजरात में चुनाव से पहले ही जीत हासिल करती नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी के लिए खुशखबरी की बात है कि गुजरात में हुए निकाय उपचुनावों में बीजेपी को कड़ी जीत हासिल हुई है, जिसमें बीजेपी ने कुल 8 सीटों में से 6 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने 7 जिलों की 7 नगर निगम चुनाव में 5 सीटें जीत ली हैं। इसके अलावा बीजेपी ने एक तालुका सीट पर भी जीत हासिल की है। हालांकि इससे पहले इन 8 सीटों पर बीजेपी का सिर्फ 2 ही सीटों पर कब्जा था। बीजेपी ने बोरियावी, महुधा, विजयपुर, पाटन, तलाला सीट पर जीत दर्ज की। इसके अलावा गांधीनगर जिले की रंधेजा तालुका पर भी बीजेपी ने अपने पैर पसारे हैं। इसके पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव में भी जीत दर्ज की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर महाराष्ट्र की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी को शुक्रिया अदा किया और लिखा कि ये जीत लोगों के आपके प्रति विश्वास की जीत है। गौरतलब है कि जल्द ही गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के मद्देनजर ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का एक महीने में दूसरा गुजरात दौरा चल रहा है। वहीं पीएम मोदी भी हाल ही में कई गुजरात के दौरे कर चुके हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।